मैं बोलती रहती हूँ, मैं पटर पटर बोलती रहती हूँ, गलत होती है मैं बोलती रहती हूँ, बट नो बडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स ओके। कहाँ मिलेगी भाई ऐसी? गया किला, बाद में दिखाऊंगी। ओके ना, मस्त बिना खाए हुए खाई हूँ बहुत जगह। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी निखिल आया है, निधि भी आई है। तो अभी जो प्लान बनाया ना कि चलते भाई डोमिनोज में या फिर कहीं भी पिज़्ज़ा जहाँ पे अच्छा मिले पिज़्ज़ा खाएंगे, तो घूमने का प्लान है। तो पहले चलते हैं सबसे पहले पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि तो इसका मन है, इसका तो मन बिरयानी खाने का है, लेकिन इसको भी आज पिज़्ज़ा ही पहले खिलाएंगे, शाम को बिरयानी का प्लान करेंगे। तो इसका मन है तो पहले इसका भाई रखना पड़ेगा ना, इसका भी रखेंगे, चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। चलिए चलते बताओ क्या खा रहे हो? बहुत टेस्टी यम्मी पिज़्ज़ा है, कैप्सिकम और ओनियन वाला है, ये मंगाइए के लिए, चिकन वाला ट्रीट उनके तरफ से है, थैंक यू। स्प्राइट मेरे लिए भाई, मेरे लिए स्प्राइट, इसके लिए भी स्प्राइट है। और ये देख लो इसका इंटीरियर देख लो, अच्छा है। भाई चलते हैं, इसको पहले फिनिश करते हैं जल्दी से। नॉट इंटरेस्टेड? नो, व्हाई आर यू सेइंग लाइक दिस? इंग्लिश मत बोला करो, निकल शॉप हो जाते, क्या बोल रही है? ये तो घर में बोलते रहती है ना, ये तो बोलते रहती है। मैं बोलती रहती हूँ, मैं पटर पटर बोलती रहती हूँ, गलत हो सही मैं बोलती रहती हूँ, बट नो बडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स ओके। आवर लैंड हाउ, समझ में नहीं है क्या? सरक जाता अभी। तो गाइस फाइनली पिज़्ज़ा वगैरह खा चुके हैं, दीदी को काफ़ी टेस्टी लगा, मुझे भी अच्छा, इसको भी अच्छा लगा। अभी कोल्ड ड्रिंक बाहर लेके आ गया, उन दोनों का ख़त्म नहीं हुआ ना, तो अभी पीते पीते जाएंगे, रास्ते में पी के ख़त्म करेंगे। चलते हैं फिर आगे के लिए, देखते हैं और भी कुछ हो सकता है तो आपको दिखाएंगे। ये देखो निधि, ये सामान देखो, और ये कहाँ मिलेगी भाई ऐसी? हाँ बताओ, रास्ते में लेस बांध रही है, देखो मेन रोड पर हो गया। तो गाइज फिलहाल मैं आ चुका हूँ दरभंगा महाराज के किले में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना दी गई है, तो एक एक करके देखेंगे, पूरा तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है, तो बहुत सारी जगह पे है जो अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी होगा मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा या फिर इसी से पूछूँगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा इतना आइडिया है नहीं, तो इसी से भाई पूछेंगे। ठीक है, तो पहले तो इधर चलते हैं, यूनिवर्सिटी है मिथिला यूनिवर्सिटी, उसको देखते हैं। तो गाइज ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये देख लो इसके अंदर पूरा रास्ता बना हुआ है आगे, और देखेंगे क्या क्या है। अभी लाइटिंग नहीं हुआ अच्छे से प्रॉपर। हाँ बोलिए बोलिए, हुआ था एक इधर भी है। हाँ बोलो, हुआ था लेकिन हुआ था, लेकिन चोर सब उखा के ले गया ना। हाँ तो इसलिए क्या अच्छा मतलब डिजाइन किया गया था, मतलब फिर से हुआ, लेकिन फिर से चोर उखाड़ के ले जाएंगे उसको। बनाया हुआ तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या है ना यहाँ के लोग थोड़े से हाँ मेंटेन नहीं रखते हैं, जिस चीज़ों को गवर्नमेंट दे देती है उसको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे हैं। हाँ पहले दरभंगा महाराज रहते थे, और मैं अभी और? किला भी मतलब ये यूनिवर्सिटी है और किला उस साइड है, अंधेरा हो गया, रात हो गया, किला बाद में दिखाऊंगी। ओके, और अभी फिलहाल इसका व्यू ही देखिए आप लोग, यही मम्मी का है क्या पूरा, इसी में मेरी मम्मी काम करती है, हेड ऑफिस का। अच्छा यही है क्या मेन डिपार्टमेंट ना? मेन गेट तो यही ना हुआ, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कांगेश्वर नगर। तो भाई यहाँ से व्यू देख लो पूरा एक साथ, ये है यूनिवर्सिटी, और ये साइड साइड देख लो पोखर, इसके अंदर और क्या क्या है? मछली है, बहुत सारे स्नेक है, हाँ? इंसेक्ट्स है, मछली बहुत सारे, दरभंगा का फेमस है मछली मखान, आ गया मछली मछली मखान फेमस है, और बहुत सारे पोखर है दरभंगा में। कौन सा मछली? बेल मछली नहीं, दरभंगा में बहुत पोखर है, नाम ही है पोखर के लिए दरभंगा। शार्क भी था पहले, सुंदर लग रही है आप भी निखिल जी। Like fireflies, 'cause there's so many things.
कॉलोनी है, पहले दरभंगा मार, पहले बहुत पहले, अभी रिपेयर हुआ है, बना है, बहुत पहले यहाँ पे दरभंगा महाराज के जो काम करने वाले सब रहते थे इसी कॉलोनी सब में रहते थे, बट डेवलप हो गया तो अब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। ये पीछे का व्यू है, यूनिवर्सिटी के पीछे का व्यू है, इधर भी डिपार्टमेंट है, इसमें एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, और अभी बन रहा है एक और डिपार्टमेंट। सही भी बन रहा है क्या? हाँ, उसके सामने एक फील्ड है जो कि अंधेरा है तो दिखेगा नहीं आपको, बट उसके बाद जो एक है ना टाइगर, पहले दरभंगा महाराज का टाइगर, ऐसे बोला करो, देख के बोला करो, कैमरा के बाहर तो सब बोल सकते हैं। भाई देख लो यहाँ भी ना दिल्ली के लाल किला की तरह बनाया हुआ है, इसके अंदर भी, इसी के अंदर रहते थे क्या दरभंगा महाराज? नहीं, इसके अंदर नहीं रहते थे, लेकिन अच्छा। इसके अंदर भी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा, मतलब एकदम वैसा ही, इसके अंदर बाघ रहता था, दरभंगा महाराज बाघ पालते थे, बहुत अच्छा व्यू है। कितना बड़ा मार्केट में आ गए हम लोग, मार्केट जहाँ जाना है मुझे मोमोज खाने, संगम मोमोज बहुत फेमस है यहाँ का, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस अभी दरभंगा किला घूमने के बाद, पूरा तो नहीं घूम पाए, वहाँ पे थोड़ा तो घूमो, उसके बाद ये देख लो टावर है मतलब दरभंगा का मेन मार्केट, और यहीं पे एक है संगम मोमोज जो यहाँ के लिए काफ़ी फेमस है, भाई उसी में अभी चल के मोमोज खाने वाले हैं। दीदी बोली है कि भाई यहाँ का सबसे जो फेमस मोमोज है ना ये यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये संगम मोमोज काफ़ी टाइप के भाई इधर है मोमोज, चलते हैं इसके अंदर कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर ये देखो भाई भीड़ कितना है, भाई तो अभी आया है चिकन कुल्फे ना, क्या नाम है चिकन कुल्फे? हाँ। देखते हैं टेस्ट करके, मस्त बिना खाए हुए टेस्टी है भाई, मुझे स्पेशली उतना ज़्यादा सही नहीं लगा, भाई रात के 8:30 बज चुके हैं, पूरा मार्केट घूमने के बाद मोमोज वगैरह खाने के बाद वापस मैं अपने होटल में आ चुका हूँ, अभी जाऊँगा, ये लोग मुझे छोड़ने आए हैं, दोनों वापस अभी घर चले जाएंगे, मैं रात से स्टे करूँगा, फिर ये सुबह में 6 बजे आएगी, कल जाना है मंदिर के लिए, कल है मेरा बर्थडे तो उधर पूजा वगैरह करना है, नेक्स्ट ब्लॉग में वो सब देखने को मिलेगा, एडवांस मेरा थैंक यू। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा।